क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूँ सी एल तलनिया जीपीसी सीकर से और आज हम पढ़ेंगे EE307 पावर सिस्टम फर्स्ट सेकंड और उसके अंदर जो टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है समान ऊंचाई के आलम्बों पर सेग की गणना यानी सेग की कैलकुलेशन करेंगे और वो भी जब जो आलम है या सपोर्ट है उनकी ऊंचाई बराबर हो तो ऐसे आलम्बों की जिसकी ऊंचाई बराबर हो की सेग की कैलकुलेशन करेंगे और एक दूसरा क्या होता है जिसमें क्या आलम्ब बराबर नहीं होते हैं या लेवल जो इक्वल लेवल नहीं होता कोई पहाड़ी पे होता है कोई नीचे होता है तो वो डिफरेंट होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है समान ऊंचाई के आलम्ब पर सेग की गणना। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक आलम्ब बनाया ये आलम्ब है और इसका नाम दे दिया ए और दूसरा आलम्ब है ये इसका नाम दे दिया बी और ये यहां से हमने एक लाइन चालक है इसको बांध दिया और ये इसके बीच की डिस्टेंस ये और ये दोनों चालकों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एल से लिखते हैं और इसको लाइन स्पान या विस्तृति कहते हैं। अब इसके जो लाइन स्पान और ये जो एल एल से लिखते हैं और ये जो कर्व है ये कर्व अब सेग क्या होता है कि जब कोई भी लाइन चालक है दोनों सिरों हम उसको मान देते हैं तो ये अपने खुद के वेट के कारण ये नीचे की ओर एक कैटेगरी कर्व के रूप में लटक जाता है। ये इसकी प्राकृतिक टेंडेंसी होती है कि अपने वेट के कारण नीचे की ओर झूल जाता है वो नीचे की ओर झूल जाता है वो एक सेग का रूप धारण कर लेता है। तो अब सेग करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब जब ये दोनों ऊपरी सिरे हैं आलम्ब के उनको हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं और ये जो चालक है इसका हम कोई लोवेस्ट पॉइंट इसका लोवेस्ट पॉइंट ले रहे लोवेस्ट पॉइंट ले रहे मान लीजिए वो है इसका तो लोवेस्ट पॉइंट से काल्पनिक रेखा के बीच में जो हम वर्टिकल डिस्टेंस खींचे तो वो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम सेग बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस को हम सेग ये यहां से लेके ये सेग होगा और इसको हमने नाम दे दिया ओ लोवेस्ट पॉइंट। तो क्या है कि दो आलम्बों के ऊपरी सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा तथा खींचे गए लाइन चालक के निम्नतम या लोवेस्ट बिंदु लोएस्ट बिंदु के बीच वर्टिकल डिस्टेंस को जोड़ या सेग कहते हैं इसे एस से व्यक्त करते हैं यानी कि ये काल्पनिक रेखा
ये लाइन चालक एक और ये जो मिलानपुर ये इसका जो न्यूनतम बिंदु है लोएस्ट पॉइंट है वो इससे हम वर्टिकल डिस्टेंस लीजिए तो इसको हम से बोलेंगे और इसको एस से व्यक्त करेंगे और इसको मीटर में मापेंगे। इसके लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ पे इस वजह से मोमेंटल डिस्टेंस है ऐसे तो यहाँ पे ओ की वजह से टेंशन ये इसको खींचने की कोशिश करेगा तो ये लगेगा टेंशन टी और ये जो लाइन चालक है इसका जो वेट है वो हम प्रति मीटर में लेते हैं तो प्रति मीटर में जो वेट होता है इसको हम डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं तो हम यहाँ थोड़ा सा मानते हैं कि लेट एस है वो तो है सेम मीटर में सेम मीटर में और एल है वो है लाइन स्पान लाइन स्पान या बिस्तर की ये भी है मीटर में इसको लाइन स्पान या इसको बिस्तर की भी बोलते हैं और दूसरा कि ये जो टी टी है वो टेंशन टेंशन पोटेंशियल का टेंशन एट पॉइंट ओ और ये है ये टेंशन जो होती है ये वर्किंग होता है कार्यकारी वर्किंग और टेंशन में होता है उसके बाद में ये है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू है ये जो लाइन चालक है इसका प्रति मीटर में भार प्रति मीटर प्रति मीटर लंबाई का भार केजी में तो ये चारों आगे ले अब यहां पे देखो कि ये जो गोलाई है इस गोलाई पे हम कोई पॉइंट लेंगे मान लीजिए हमने ये पॉइंट इस पॉइंट पे ले लिया इस पॉइंट का नाम दे दिया P और इस P के कोऑर्डिनेट ले लिए X और Y X Y के कोऑर्डिनेट ले लिए तो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये तो हो गई Y और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगी x ये डिस्टेंस होगी x डिस्टेंस है x x ये डिस्टेंस होगी x अब हम सेग की कैलकुलेशन करने के लिए देखते हैं क्या देखो ये जो लाइन चालक है इसका जो कर्व और इस ओ लेवल पर इसकी जो गोलाई है ये गोलाई हम मान के चले कहते हैं कि कम हो यानी बहुत कम हो तो उस कंडीशन में हम अज्यूम कर सकते हैं मान सकते हैं कि ओपी पोर्शन का ये जो भाग है इसकी दूरी इसकी लेंथ और ये यहां से लेके यहां देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स ये आपस में बराबर होगी एक्चुअली में ये बराबर नहीं है एक हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो कर्वेचर है इसकी गोलाई कम हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं तो अब ये यहां से लेके यहां तक की जो पोर्शन ओपी पोर्शन है इसका जो वेट है वो है डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू एक्स और ये डब्ल्यू एक्स ये कहां पे लाई करता है ये हमेशा अगर ये लेंथ इतनी हो तो इसके हाफ यानी मिड पॉइंट पे लाई करता है तो इसका हम ये हम इसको मान लें कि ये इसका जो वेट है ये यहाँ पे W X यहाँ पे ये लाई करेगा और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो X Y टू होगी और ये भी X Y टू होगी तो इस कंडीशन में इस ओपी पोर्शन पे दो फोर्स काम करेंगे यानी कि इसमें लाइन चालक
के ओपी भाग या पोषण भाग पर दो बल कार्य करेंगे, दो बल कार्य करेंगे। पहला कौन सा है? पहला बल है गेज का वेग, लाइन लाइन चालक का भार डब्लू एक्स, जो कि लाइन चालक का भार डब्लू एक्स जो कि ओ बिंदु से एक्स बाई टू दूरी पर बन जाएगा एस के बराबर। और पहले एक्स
इतना था बी में, अब जब ये इतना हो जाएगा तो बन जाएगा कि यहां से लेके यहां, तो ये डिस्टेंस x किसके बराबर है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है l / 2 और इधर भी है l / 2, तो ये डिस्टेंस हम l / तो x बराबर हो जाएगा l / 2। अब l / 2 ये है, तो यहां से अगर हम इसी फॉर्मूले के अंदर हम ये रख दें, मान लीजिए इसी पे रखें तो क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले पे हम रखें तो y बराबर w x की जगह l / 2 स्क्वायर बटे 2 t, तो y को हम y की जगह हम यहां इस समय s रखेंगे, s तो s बराबर w l स्क्वायर अपॉन l t आठ t, तो आठ t, तो मैक्सिमम सेक, मैक्सिमम सेक s बराबर आ गया w l स्क्वायर अपॉन आठ t, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये इक्वल लेवल के हम जब सेट निकालते हैं तो मैक्सिमम सेट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है s बराबर w l स्क्वायर आठ t, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल पूछते हैं और इसी से न्यूमेरिकल इसमें वैल्यू पुट करके फॉर्मूला याद रखो और सवाल करो। थैंक्स।